नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, एचआरटीसी कर्मियों को जल्द मिलेंगे ओवरटाइम के 100 करोड़। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कर्मियों को ओवरटाइम का 100 करोड़ जल्द दिया जाएगा। डीजल की 250 बसेस व इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और इनको ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले 10 गारंटीज दी थी, जिनमें से 5 गारंटीज को पूरा कर लिया गया और चरणबद्ध तरीके से अन्य गारंटीज को भी पूरा किया जाएगा। अब जनता की समस्याओं को घर द्वार सुनकर उनका हल किया जा रहा है। 4 जिलों में 5 दिन घना कोहरा पड़ने का अलर्ट। ताबो कुकुमसेरी का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सुबह शाम घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया, इससे दृश्यता 30 मीटर तक रह गई। वहीं सुंदरनगर और ऊना में मध्यम व मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 नवंबर तक बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी जिले में सुबह और शाम को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीपीएस नियुक्ति एक्ट को किया निरस्त, सभी सुविधाएं खत्म। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। सीपीएस को सचिवालय का दफ्तर, गाड़ी बंगला और अन्य सुविधाएं भी तुरंत छोड़ने के आदेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रदेश विधानपालिका मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में कोई कानून नहीं बना सकती। अदालत ने असम राज्य में सीपीएस के बनाए गए एक्ट को रद्द करने वाले बिमलांशु रॉय बनाम भारत सरकार के जजमेंट का हवाला देते हुए हिमाचल के सीपीएस के 2006 के एक्ट को रद्द कर दिया है। घर द्वार गुणात्मक शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मेधावियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। घर द्वार गुणात्मक शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुणात्मक शिक्षा देने के लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा आरंभ कर दी। इससे सरकारी स्कूल के बच्चे निजी स्कूल के बच्चों के समक्ष हीन भावना महसूस न करें। मंत्री ने बताया कि शिक्षकों का स्तर और अधिक बेहतर बनाने के मद्देनजर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्टाफ वेजिटेरियन, बच्चों को दोपहर के भोजन में नहीं मिल रहे अंडे। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल में स्टाफ वेजिटेरियन होने के कारण बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे। इन स्कूल में बच्चों को इसकी जगह फल ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार व विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें सप्ताह में एक बार अंडा दिया जाए और जो वेजिटेरियन हैं उनको फल दिए जाएं। इसको लेकर कई शिकायतें भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को मिली हैं, जिन पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और मामले पर जांच बिठा दी गई। विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने संबंधित जिला उपनिदेशकों को इसकी जांच के आदेश दिए। चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास के लिए अब देने होंगे 1500 रूपए। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत अब मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करने के लिए 1100 की बजाय 5 श्रद्धालुओं को 1500 खर्च करने होंगे। यह निर्णय बुधवार को बाबा श्री माईदास सदन में मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी मंदिर ट्रस्टी और ट्रस्ट के मेंबर मौजूद रहे। डीसी ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर न्यास से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चाइना बाजार पर हंगामा, नारेबाजी, दुकानदारों ने शटर डाउन कर तहसील में जमा करवाई चाबियां। नेरवा में लग रहे चाइना बाजार मेले के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। बुधवार सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर चाबियां तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। इस दौरान करीब 500 दुकानदारों ने डुंडी मंदिर से मेला स्थल तक मेले के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस भी निकाला। व्यापार मंडल ने दो टूक चेतावनी दी कि जब तक मेले को बंद नहीं किया जाता बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
काजा में सोलर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 20 नवंबर से सभी औपचारिकताओं के बाद ही होगा उद्घाटन। शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा में निर्माणाधीन सोलर पावर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 20 नवंबर से शुरू हो रही है। अब सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा। बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट लक्ष्य से भटक गया, क्योंकि पहले ये बताया था कि पिछले महीने इसका उद्घाटन हो जाएगा, मगर समय पर इसका काम पूरा नहीं हो पाया और उस दौरान लेबर की किल्लत महसूस की गई। ऐसे में अब अगले सप्ताह 20 तारीख से इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग शुरू होगी और इसकी दूसरी सभी औपचारिकताओं को साथ में ही पूरा कर दिया जाएगा। मानवता हुई शर्मसार, हिमाचल में यहाँ पेड़ के नीचे मिली नवजात। नालागढ़ के गांव सेरी में पीपल के पेड़ के नीचे नवजात मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी अज्ञात के द्वारा बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को तुरंत स्थानीय अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे नवजात को रोते हुए सुना तो तुरंत जाकर देखा कि बच्ची कुछ समय पहले ही पैदा हुई थी। स्थानीय महिलाओं ने बच्ची को कपड़े पहनाए और दूध पिलाया। थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया कि नवजात को मेडिकल जांच के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। होली से चंबा रही एचआरटीसी बस के खुले पिछले टायर, यात्रियों में मची अफरा तफरी। होली से चंबा आ रही एक एचआरटीसी बस के अचानक पिछले टायर खुल गई। चलती बस के टायर खुलने से बस में सवार सवारियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बस सड़क में ही रुक गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। बस खराब होने के बाद भरमौर से चंबा आ रही दूसरी बस में यात्रियों को जिला मुख्यालय चंबा की तरफ रवाना किया। एचआरटीसी बस रोजाना की तरह बुधवार को होली से चंबा आ रही थी। जनता को झटका, मैनुअल पर्ची बनाने पर रोक। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में अब मैनुअल तरीके से पर्ची बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार के निर्देशों के अनुसार मैनुअल पर्ची बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की पर्ची अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बनाई जाएगी। अब तक मरीजों की सुविधा के लिए आभा कार्ड और मैनुअल तरीके से पर्ची बनाई जा रही थी। कई मरीज बिना कार्ड के उपचार लेने के लिए हमीरपुर अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद में इनके आधार कार्ड से आभा आईडी को जनरेट किया गया। पुडुचेरी ने हिमाचल के आगे टेके घुटने, 85 रन पर ढेर। वीके गलेची और मुकुल ने चटकाए 3-3 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में बुधवार को हिमाचल और पुडुचेरी के बीच रणजी मैच शुरू हुआ। मुकाबले के पहले दिन ही पुडुचेरी के बल्लेबाजों ने हिमाचली गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। 34वें ओवर के खेल तक पुडुचेरी की टीम 85 रन पर ढेर हो गई। हिमाचल ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। मस्ती में लिए चिट्टे ने पहले नशे के दलदल में धकेला, फिर बना दिया अपराधी। चिट्टे की लत युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलती जा रही है। पहली बार कोई भी युवा दोस्त और परिचित के साथ इस नशे को शौक के तौर पर लेता है, लेकिन इसकी लत इतनी खतरनाक है कि फिर नशे की पूर्ति के लिए नशेड़ी छीना झपटी और चोरी तक करने को मजबूर हो जाते हैं। इसकी शुरुआत पहले घर और फिर समाज से होती है। जानकारों का मानना है कि पहली बार ही चिट्टे का नशा लेने वाला इसका 80% तक आदि हो जाता है। दूसरी बार चिट्टा लेने वाला पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इसके बाद वो नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कॉलेज छात्रा ने रावी नदी में कूद कर दे दी जान। बीए तृतीय वर्ष में फेल होने से थी तनाव में। कॉलेज छात्रा ने रावी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। रिया 20 वर्षीय पुत्री महेंद्र कुमार निवासी गांव भरिया डाकघर कुपाहड़ा बुधवार सुबह घर से चंबा कॉलेज के लिए निकली थी। वो कॉलेज नहीं पहुंची। उसने चंबा पठानकोट एनएच पर परेल के पास बने पुल से रावी नदी में छलांग लगा डाली। पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी गई। जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।